तो ये जो हेलमेट है ये है कुक का। तो हेलमेट में आपको एक्चुअली कैप मिलता है, आप चाहो तो वाइजर को हटा के कैप लगा सकते हैं। अगर आप इसकी पैडिंग पे नोटिस करोगे तो आपको पैडिंग काफी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी क्या बताऊं भाई, पसीने पसीने से लथपथ हो गया। तो यार आपको पता है गर्मी का सीजन आ गया और गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा दर्द एक राइडर को कुछ देता है तो वो है हेलमेट। बहुत ही ज़्यादा पसीना आने लगता है, सफोकेशन फील होने लगती है। तो इसीलिए मैं आया हूँ अभी वीके ऑटो ट्रेडर्स के पास, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के दिखा रखा है इनके स्टॉक के बारे में। तो अभी मैं आया हूँ भैया के पास हेलमेट ट्राई करने के लिए कि कोई ऐसा हेलमेट मिल जाए जिससे कि मेरी गर्मियाँ कट जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एस जे ब्लॉग और मेरे साथ है चंदन। चंदन भाई स्वागत है आपका फिर से। तो आज कोई मुझे ऐसा हेलमेट दिखा दो जिससे कि मेरी गर्मी कट जाए क्योंकि बहुत पसीना सा। आप हमारे कुक का हेलमेट ट्राई कर सकते हैं। नया आया क्या? नया आया है, अभी लॉन्चिंग हुई है इसकी। कौन सी कंपनी है? और ये स्टील बड़ वालों से टाइप पे है, मतलब स्टील बड़ों ने ले लिया इसको। स्पेनिश हेलमेट है ये। तो ये जो हेलमेट है ये है कुक का, स्टील बड़ ने आप इसको ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया। ये स्पेनिश कंपनी थी और अब स्टीलबर्ड की हो गई और इन्होंने एक लॉन्च किया है कुक का हेलमेट। ये हेलमेट कुछ इस तरह से दिखती है, अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो एक कैप सामने से, अगर सामने से धूप लग रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने से कैप दे रखा है, पर इसको हम चाहे तो हटा भी सकते हैं और वो भी चुटकी में। तो हेलमेट में आपको एक्चुअली कैप मिलता है, आप चाहो तो वाइजर को हटा के कैप लगा सकते हो। और अगर आपको कैप हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको नीचे पुश करना है और उसके बाद फिर ऐसे आप ये खुल जाएगा। इसको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से खोल लो, इसके बाद इस पर वाइजर लगा देना। तो एक बार इस पर वाइजर भी लगा देते हैं। ये लग गया इसका वाइजर, अब देख लो ये हेलमेट कुछ इस तरह से हाफ फेस। मैं इसलिए ये हेलमेट प्रेफर कर रहा था क्योंकि ये हाफ फेस है, इसमें गर्मी नहीं लगेगी। और अगर प्रोडक्शन की बात करूँ भाई साहब, अगर आप इसकी पैडिंग पे नोटिस करोगे तो आपको पैडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी, जो नॉर्मल हेलमेट्स में मिलती है उससे काफ़ी डिफरेंट है काफ़ी। तो ये पैडिंग जो आप देख रहे हो ये आप इसको हटा के धो भी सकते हो, ये कुछ नहीं करना आपको, इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम भी दे रखा है कि जब आप इसको लगाओगे तो ये लॉक हो जाएगा और उसके बाद फिर अगर मान लो गर्मी में हो गया, थोड़ा पसीना वसीना बदबू आ रही है, तो आप इसको फिर से धो भी सकते हो और फिर इसको वापस से यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगा है इस हेलमेट के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में कि कितने कलर इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ये है आपका मैट ब्लैक कलर, इसमें भी आपको वही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक बार इसको पहन के दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आपको आएगा। ये है थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक सा, थोड़ा चमक रहा है, तो ये भी अगर आप चाहो पहनना, ये भी चाहो तो आप ले सकते हो। और ये कुछ इस तरह से आपको आएगा। और वाइजर ऊपर नीचे करने के लिए आपको कहीं नहीं देखना, बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ब्लैक शेड के अंदर आपको एक और हेलमेट मिल रहा है, एक और वेराइटी आपको मिल जा रही है, ये आप थोड़ा सा देख लो। और आपको यहाँ पूरा कूका का ब्रांड लिख के आ जाएगा। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस हेलमेट पे लगी है, आपको स्ट्रैप के साथ रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। ये देख लो, सामने से इस साइड दो रिफ्लेक्टर हैं और इस साइड दो रिफ्लेक्टर हैं। रिफ्लेक्टर के बारे में बात करूँ तो जब आप राइड पे होते हो और रात का टाइम होता है तो रिफ्लेक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है सामने वाले को आइडेंटिफाई करने में कि हाँ कोई बंदा जा रहा है, नहीं तो इससे बहुत केसेस में एक्सीडेंट भी प्रिवेंट होते हैं। रिफ्लेक्टर देके स्टील बड ने बहुत अच्छा काम किया है। अगली जो हेलमेट है वो सबसे जो मेरा फेवरेट है कलर, मतलब है बाइक को लेके, वो है वाइट, क्योंकि आपको पता है अपने पास वाइट बाइक है तो वाइट काफ़ी सूट करता है। तो ये हेलमेट पहन के ज़रा देखते हैं ये कैसा लगता है। तो ये हेलमेट कुछ इस तरह से आ रहा है, इधर लेफ्ट और राइट में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये है आपका लास्ट चॉइस, ये है ग्रे, थोड़ा सा ग्रे में है, उसमें भी आपको कुका की ब्रांडिंग मिल जाएगी और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है। एक बारी मैं पहन के आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये आपका वाइज़र है और वाइज़र की बात करूँ तो कंप्लीट जो है वाइज़र कवर कर रहा है। अगर मैं बाइक चलाऊँगा इस तरह से तो मुझे मतलब इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइज़र काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो यार ये कोई नॉर्मल हेलमेट नहीं है क्योंकि आपको पता है नॉर्मल इज़ बोरिंग, इसीलिए ये हेलमेट कुका हेलमेट कंपनी ने लॉन्च किया है। और मैं सोच रहा हूँ वाइट वाला हेलमेट यहाँ से लेके जाते हैं और अब जो गर्मियों में राइड होगी, जो सिटी राइड होगी, वो इसी हेलमेट पे होगी मेरी। तो भाई इसकी MRP है 1999 यानी 2000 के आसपास। और अगर आप वीके ट्रेडर से लेते हो तो अगर आपने वीडियो देखी है तो बता देना भाई कि एस जे ब्लॉग्स की वीडियो देखी थी, तो आपको डिस्काउंट पक्का मिलेगा। आना एक बार यहाँ बता देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखी है, फिर भी एक बार आप एक कार्ड के डिटेल दे दो, स्क्रीनशॉट ले लेना और नंबर पे कॉल कर लेना आने से पहले। बाकी यार वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी दबा के जाओ। तो मिलते हैं यार नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।